गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारी स्किन में 80% एजिंग इज ड्यू टू एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इतना ही नहीं, इसमें सन की रेस से रेडिएशन एक मेजर कॉज है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनीता बुधराजा, अ बिजनेस एंड वेलनेस कोच। इस वीडियो में मैं चार टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। फर्स्टली, फोटो एजिंग या प्रीमेच्योर एजिंग क्या है। सेकेंडली, सनस्क्रीन लगाकर हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रीमेच्योर एजिंग। थर्डली, गाइस, सनस्क्रीन लगानी है तो कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने हैं, मॉइस्चराइजिंग करनी है कि नहीं करनी, उसके बाद मेकअप कैसे करें, ये सब चीजें भी डिस्कस करने वाली हूँ। एंड फोर्थली, तीन सनस्क्रीन्स का रिव्यू शेयर करूंगी जो मैं रेगुलरली यूज कर रही हूँ ऐसी सनस्क्रीन्स को, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप अपने लिए कैसे एक राइट सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं। और एक एंड में छोटा सा डेमो दूंगी हाउ टू अप्लाई अ सनस्क्रीन। बट गाइस, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्रीमेच्योर एजिंग यानी फोटो एजिंग का मेन रीजन होता है सन की रेडिएशन। सन की यूवी ए रेज हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट करके एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती हैं, और यूवी बी रेज कॉज करती हैं बर्निंग। हमारे हैंड्स और फेस का स्किन सन डैमेज पे एक्सपोज रहता है, और इसी रीजन से हमारी एक्चुअल एज हमारी रियल एज से ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और हमारे स्किन पे दिखते हैं कुछ डैमेजेस लाइक स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। रेडिएशन का दूसरा सोर्स होते हैं कुछ गैजेट्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, थिंग्स लाइक हमारा कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप्स, वाईफाई रूटर्स। एंड सनस्क्रीन का यूज हमारे इन सब तरह के डैमेजेस से प्रोटेक्शन करने में हमें बहुत हेल्प करता है। एंड गाइस, सनस्क्रीन चूज करने के टाइम हमें हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए जो हमें यूवी ए और यूवी बी दोनों टाइप ऑफ सनरेज से प्रोटेक्शन दे। इतना ही नहीं, सनस्क्रीन हमेशा लगाएं घर से निकलने से 10 से 15 मिनट पहले, ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर हमारे स्किन पे क्रिएट हो सके। सनस्क्रीन्स का यूजुअली बेस होता है मॉइस्चराइजिंग, इसलिए आप क्लेंजिंग और टोनिंग करने के बाद सनस्क्रीन डायरेक्टली लगा सकते हैं। बट ऑफकोर्स, अगर आपका स्किन है ड्राई तो आई वुड रिकमेंड कि आप लाइट मॉइस्चराइजिंग जरूर कर लें। बट डोंट फॉरगेट कि इवनिंग के रूटीन में अपनी सनस्क्रीन को फेस से जरूर रिमूव करें, बिकॉज अगर आप नहीं रिमूव करते तो पोर्स क्लॉग होने का डर हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। एंड गाइस, लेट्स टॉक अबाउट थ्री सनस्क्रीन्स जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, और इनमें है कुछ यूनिक फीचर्स, और मैं ये रिव्यू इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि ये आपको सपोर्ट करेगा टू डिसाइड विच सनस्क्रीन टू चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिफ्लेम मल्टी प्रोटेक्शन अर्बन यूवी डे शील्ड की, जिसमें एक ऐसा एक्टिव है एंटी पोल्यूशन एक्टिव जो आपको सन की रेस से प्रोटेक्शन तो देगा ही, बट साथ ही साथ देगा आपको पोल्यूशन से प्रोटेक्शन। अर्बन शील्ड में SPF 30 है जो कि आपको 97% तक रेज सन रेज से प्रोटेक्ट करेगा, और बहुत ही रेडी टू गो साइज में 30ml पैकेजिंग में है। इसमें एक हाइजीनिक एप्लीकेटर नॉजल भी है, इजी टू यूज एंड वेरी लाइट ऑन योर स्किन। यहाँ पर जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपका स्किन वेल हाइड्रेटेड फील करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ तो हो ही जाता है, स्किन की ल्यूमिनोसिटी और स्किन की रेडियंस को भी इम्प्रूव करेगा। इसका लाइट टेक्सचर उनके लिए बेस्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है कि उनको स्किन पर कुछ हैवी पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, इसके लाइट टेक्सचर की वजह से आप इसको कुछ मिनट लगाइए और फॉलो इट अप विद मेकअप इफ यू वांट टू गो इन अ सिटी रश लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिफ्लेम की सनजोन यूवी प्रोटेक्टर फॉर फेस एंड एक्सपोज्ड एरिया SPF 50 की। सन के यूवी ए रे से हमें ये प्रोटेक्शन तो देती ही है, ये सूटेबल है जिनका स्किन है सन सेंसिटिव। गाइस, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और साथ ही साथ है वाटर रेजिस्टेंट भी। इसमें SPF 50 हमें देता है सन की रेस से 98% प्रोटेक्शन, और इसका फॉर्मुलेशन 100% कलरेंट फ्री है। सी साइड हॉलीडेज और स्विमिंग ट्रिप्स पे इस वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन को ले जाना बिल्कुल मत भूलें।
लेकिन हाँ, स्विमिंग के बाद इसको रीअप्लाई करना जरूरी है। आउटडोर टाइम स्पेंड करने वालों को सिर्फ एक ही काम करना है कि निकलने से 15 से 20 मिनट पहले इसे आप अपने स्किन एंड एक्सपोज्ड एरियाज पे जरूर लगाएं और मजे से आउटडोर्स एंजॉय। अब बात करते हैं एक हाईली रेटेड और हाई परफॉर्मेंस सनस्क्रीन की, नोवेज डे शील SPF 50 UVA/PA प्लस 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 प्लस। हाँ, इसका नेम बिल्कुल एक टंग ट्विस्टर की तरह है। तो गाइस, सन की UVA रेज और UVB रेज हमें एजिंग और बर्निंग का कॉज तो बनती हैं, और ऑरिफ्लेम की नोवेज डे शील्ड इन सब का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। नोवेज डे शील्ड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है और इसमें एडिशनल फैक्टर्स हैं PA प्लस 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 प्लस। ये आइडियली उनके लिए हैं जो प्रिवेंट करना चाहते हैं प्रीमेच्योर एजिंग और चाहते हैं कि उनके स्किन पर कभी ना आए अनइवन स्किन टोन, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। एक पोल्यूशन प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, ये हमारी स्किन पर एक सेकेंड स्किन की तरह एक शील्ड क्रिएट करती है और एनवायरनमेंट के टॉक्सिक इफेक्ट से हमें बचाती है। आप इसे लगाएं अपने एक्सपोज्ड एरियाज लाइक फेस, नेक्स, आर्म्स एंड हैंड्स पर और आपको वेल हाइड्रेटेड रख के ये स्किन एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करती है। डे शील्ड में ऐसे एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजिंग एक्टिव्स हैं जो हमारे स्किन में मॉइस्चर को भी लॉक कर देते हैं, और साथ ही साथ है विटामिन ई, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स जो हमारे अर्ली साइंस ऑफ एजिंग क्रिएट कर सकते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन भी देता है। ऑरिफ्लेम की हाईली अक्लेम्ड कैटेगरी में है डे शील्ड UVA एंड UVB रेडिएशन के साथ साथ PA प्लस प्लस फैक्टर्स के साथ एक बेस्ट क्वालिटी बेस्ट हाई परफॉर्मेंस क्रीम जो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में मिल रही है। सो अब अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं रिगार्डिंग SPF, रिगार्डिंग की सनस्क्रीन घर पे भी लगानी है या नहीं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ और यहाँ भी आप ऊपर लिंक देख सकते हैं। बात करते हैं कि सनस्क्रीन अब हमें कितनी लगानी चाहिए। देखिए, हम जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक थिन लेयर लगाएं और अच्छे से स्प्रेड करके उसको ब्लेंड करें, बट सनस्क्रीन में ये रूल नहीं अप्लाई होता। सनस्क्रीन हमें एक थिक लेयर में इवनली स्प्रेड करनी है, बट थिकली स्प्रेड करनी है। आइडियली उसका फॉर्मूला ये है कि मॉइस्चराइजर हम यूजुअली 1 फिंगर लगाते हैं, तो सनस्क्रीन लगाएंगे हम 3 फिंगर टिप्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम मॉइस्चराइजर यूजुअली कैसे लगाते हैं। एक हाथ पे मैं मॉइस्चराइजर दिखाऊंगी आपको। आई थिंक फिंगर टिप, इतनी फिंगर टिप सफिशिएंट है फ्रॉम द बैक ऑफ माय 1 हैंड। आप देखिए, यूजुअली हम इसी तरह मॉइस्चराइजर लगाते हैं और उसको अच्छे से स्प्रेड करके उसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि स्किन के अंदर स्प्रेड भी हो जाए और एक थिन सा लेयर बन जाए हमारे स्किन के ऊपर। लेकिन अब हम देखते हैं कि सनस्क्रीन की कितनी क्वांटिटी लगानी चाहिए। मेरे पास यहाँ पर है सनजोन UV 50 एंड नोवेज डे शील्ड UV 50। पहले मैं आपको सनजोन UV 50 दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इसका हाईली मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है, तो हम आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ और इसको मैं कितना स्प्रेड करना चाहिए है। हाफ हैंड पे मैं आपको यही लगा के दिखा रही हूँ। सनस्क्रीन को हमेशा लगाने के कुछ मिनट तक उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम देना चाहिए। ये एक वाटर रेजिस्टेंट हाईली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और इसीलिए मैं आपका इसको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, सो दैट आप दोनों क्रीम्स की टेक्सचर में भी डिफरेंस देख सकें। सो लेट्स सी ये कितना टाइम लेती है सेटल होने में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज नोवेज प्रोटेक्टर SPF 50/PA++++। इसकी भी सेम क्वांटिटी मैं लूंगी, इसका भी बहुत ही इजी टू यूज
स्क्रोल ऑफ कैप है एंड इसकी क्वांटिटी भी आप देखिए मैं कितनी ले रही हूँ, जस्ट सी, सो मोर देन डबल देन व्हाट आई हैड टेकन फॉर माय मॉइस्चराइजर। एंड इसको भी मैं स्प्रेड करने जा रही हूँ। दोनों क्रीम्स के टेक्सचर में डिफरेंस है, एक शील की तरह ये पूरे हैंड पे स्प्रेड कर रही हूँ मैं। एंड मैं आपको इसको 5 मिनट्स के इंटरवल में इसका एक्चुअल इफेक्ट और रिजल्ट्स क्या है वो दिखाने के लिए आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स। सो गाइस, कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स नाउ अबाउट 6 मिनट्स। मैंने 6 मिनट्स तक ये पहले आपको ये क्रीम लगा के दिखाई थी एंड दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसकी इस वाली क्रीम में SPF सनजोन में काफ़ी ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा है, बट आप देखेंगे ये इसकी ल्यूमिनोसिटी बहुत ज़्यादा है। और नोवेज डे शील्ड में ऑलमोस्ट ये पेनिट्रेट हो चुकी है, हल्की सी अभी भी मुझे इसके ऊपर लेयर फील हो रही है। और सनजोन में अभी भी मुझे फील हो रहा है कि अभी थोड़ी क्रीम एब्जॉर्ब पूरी नहीं हुई है। सो नॉर्मली हम 15-20 मिनट्स बोलते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल मिली होगी फॉर योरसेल्फ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। सो ओके गाइज, बाय बाय।